सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापीक चित्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानंदात्मने नमः। एक दो चार मिनट आपसे थोड़ा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। खास देखो, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक का सातवां अधिकार है। उसके स्टार्टिंग में ही टोडरमल जी साहब ने जहां से लिखना प्रारंभ किया तो पहले लिखा अब हम किनकी बात करते हैं कि जो जीव जैन है उनकी बात करते हैं, और कौन से जैन है जो अन्य मत के अंदर जो पांचवें और छठे में चले गए उनकी बात नहीं है। ये श्वेतांबर जैनियों की भी बात नहीं है, ये दिगंबर जैनियों के लिए लिखा गया है सातवां अधिकार। जो जीव जैन है, बराबर हो गया। अब इसमें दूसरा शब्द देखना चेतन भाई क्या लिखा हुआ है। जिन आज्ञा को मानते हैं, जो जीव जैन है और जिन आज्ञा को मानते हैं, तो अब जिन आज्ञा को मानते हैं का क्या अर्थ है कि रात्रि में भोजन करते हैं, कंदमूल खाते हैं, बाजार में चौराहे पर खड़े होकर के गोलगप्पा खाते हैं और क्या क्या बोलो, जो जो चाहते हो वो सब बोल देते हैं, बोलो जो जो कहो सब बोल देंगे, सत्य व्यसन करते हैं, ऐसा शब्द क्या पड़ा है, जिन आज्ञा मानते। तो जिन आज्ञा में क्या है, चोरी करना, जुआ खेलना, परिस्त्री सेवन करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, क्या करना, बोलो क्या करना, आया कुछ आया आगे, इतना इसे कवर करो, ये शब्द डालो, अंडरलाइन कर दो, घर जाकर के तख्तियों पर लिखो, जिन आज्ञा मानने वाले के लिए है बात। जैनी तो है ही, वो भी दिगंबरी जैनी है और जिन आज्ञा को मानता है उसकी बात लिख दी। अब जिन आज्ञा को मानता है और निश्चयाभास है, जिन आज्ञा को मानता है और व्यवहाराभास है, जिन आज्ञा को मानता है और उभयाभास है, ये उसकी बात है। आया अनिल जी, ये तो बात हो गई ना, कवर हो गई ना, जिन आज्ञा मानता है ये तो कवर हो गई ना, उसकी बात है, श्वेतांबरी जैन की बात नहीं है, अनमत की तो बात ही नहीं है। और दूसरा, श्वेतांबर माने दिगंबर में जन्म ले लिया ने उसकी बात नहीं है, जिन आज्ञा मानता है उसकी बात है। अब जिन आज्ञा मानने में भी किस हद तक की जिन आज्ञा, कि शास्त्र का स्वाध्यायी है, एक ग्रंथ नहीं पढ़े हैं इसने, कई ग्रंथ पढ़े हैं। पढ़ा है तुमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक चेतन भाई, पढ़ा है, फिर से पढ़ना एक बार देखना, और सातवें अधिकार में से ऐसा नोट करना कितने ग्रंथों का उदाहरण मन उनका रेफरेंस दिया है इसके अंदर, वो देखना। तो अब निश्चयाभास किसको कहेंगे, अरे भाई जिन आज्ञा तो मान रहा है ना, फिर निश्चयाभास किसको कहेंगे, कि जो वर्तमान में पर्याय है उस पर्याय को उस रूप ना जान करके केवल ज्ञानादि सिद्ध पर्याय माने उसका नाम निश्चयाभासी है। इसके अंदर पंक्ति लिखी हुई है, पढ़ लेना, ऐसी ठोकम ठाक नहीं चलेगी। पढ़ो, स्वाध्याय करो, शब्द देखो, पंक्ति देखो, क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, बराबर ख्याल में आया। अब व्यवहाराभास किसको कहा, सबसे पहला सेंटेंस लिखा व्यवहाराभास के लिए क्या, देखो मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं। अच्छा, व्यवहाराभास के पक्षधारक माने किसको व्यवहाराभास कहा, जैन भाषों के मिथ्यात्व का निरूपण करते हैं, माने जैन में जन्मा है, जनाज्ञा मान लिया है तो भी वो जैन ही नहीं है, जैनाभास है।
जिनागम में, अब यहां सेंटेंस शुरू हुआ, जिनागम में जहां व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है, अभी तो क्या व्यवहार है उसको समझो भाई, इसी के अंदर आया है। तो शिष्य ने कहा हम तो फिर पूजा व्रत उपवास दान आदि सब छोड़ देंगे। टोडरमल जी ने कहा इसका नाम व्यवहार है ही नहीं, ये तो तेरी सुवराग की कसाई की मंदता रूप परिणति है, तेरी परिणति है वो निश्चय है, जिसकी जो परिणाम पर्याय द्रव्य गुण है उसका उसी का कहना ये निश्चय, और एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिलाकर, एक द्रव्य के गुण को दूसरे गुण में मिलाकर, कारण कार आदि देख करके, निमित नैमित्तिक पना देख करके, उनमें ये कथन करना कि ये इसने किया, इसका नाम व्यवहार है, माने कथन पद्धति में व्यवहार है। एक बात, रात्रि भोजन के त्याग का परिणाम किसका चेतन भाई? जीव का, माने जो भी जिसने परिणाम, तो वो परिणाम उस जीव का है कि दूसरे जीव का है? तो उसका उसी का कहना इसका नाम क्या है? तो तू पूजा का भाव छोड़ देगा तो क्या हम तो व्यवहार छोड़ देंगे? वो कहते ये व्यवहार है ही नहीं, ये तो निश्चय है। समझ में आते हैं आपको? ऐसे नहीं भाई, ऐसे जल्दबाजी मत करो, और कोई अपना वन वे ट्रैफिक का निर्णय मत ले। देखो मैं अभी बोल करके आया हूं और मैं बोलता हूं फिर यहां से आपको कहता हूं। हम सब लोग यहां पर कक्षा 6-7-8 तक तो पढ़े हुए होंगे, तो एमबीए भी, अपना चेतन भाई तो एमबीए है, मेरे को कल पता चला एमबीए है। तो मैथमेटिक्स पढ़ी तुमने? पढ़ी के नहीं पढ़ी? हम जब पढ़ते थे तो अंक गणित की पुस्तक होती थी, बीज गणित की पुस्तक होती थी, होती थी कि नहीं होती थी? बराबर है। तो उसमें क्या होता था, प्रश्नावली होती थी। टीटू भाई आप तो पढ़े होंगे, प्रश्नावली होती थी, पहली प्रश्न माला, तो उसका प्रश्न नंबर 15 बराबर है, तो उसमें वो गणित का प्रश्न दिया गया है। अब मैंने हल किया और हल करके उत्तर निकाला कि उत्तर 45 आ रहा है, बराबर है। मैंने क्या उत्तर निकाला? 45। अब ये सही है कि गलत है ये कहां से पता चलेगा, तुम बताओ टीटू भाई? वो उत्तर माला जो पीछे लिखी हुई, अगर 45 का 45 मिल लिया है मीन्स ओके, तेरे निकाले का तब ओके है जब उत्तर माला से मेल खा जाए, और तेरा गलत है उत्तर, वो भी काय से मिलाना पड़ेगा? उत्तर माला से। इसलिए मैं जो कुछ भी, मैं माने कोई भी जो कुछ भी कहता है, वो कहता है उसके लिए उत्तर माला ये आगम है, ये ग्रंथ उत्तर माला है, इनसे यदि तेरी बात मेल खाती है तो तेरी सांची, और इससे मेल नहीं खाती तो तेरी बात झूठी। तो गप्पा गप्प नहीं चल सकता। एक बात तो सच हो गई कि नहीं हो गई? अब देखो व्यवहार आभास की परिभाषा देख लो। जिनागम में जहां व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है, उसे मानकर बाही साधन आदि ही का श्रद्धान आदि करते हैं, बाही साधन आदि का श्रद्धान करता है। बाही शब्द ही शब्द का प्रयोग किया है। मेरे पास ढूंढारी भाषा में भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, बाही साधन आदि ही का श्रद्धान आदि करते हैं, उनके सर्व धर्म के अंग अन्यथा रूप होकर मिथ्या भाव को प्राप्त होते हैं, सो विशेष कहते हैं। अब उसका डिटेल यहां खुलेगा, क्या है किसको क्या है, व्यवहारभाषी किसको कहा, निश्चयभाषी किसको कहा, उभयाभाषी किसको कह रहे हैं, यूं ही नहीं चलाओ, यहां से देखो बराबर क्या व्यवहारभाषी। किसी को सर्टिफिकेट मत दो, ऐसे आगम से मेल खिला करके सर्टिफिकेट दो, बराबर है। अब देखो यहां पर प्रवचन सार में देखो 94 नंबर की गाथा निकालो, निकालो चेतन भाई निकालो 94 गाथा है। मूल ग्रंथ है मेरे पास,
आपकी इसमें नहीं होगा कि मैं पढ़ता हूं यहां से, आप देखना। अच्छा, जो जीव पुद्गलात्मक असमान जातीय द्रव्य पर्याय का, जो जीव पुद्गलात्मक एक शब्द है, जो जीव शब्द नहीं है, ऐसे नहीं है, जो जीव पुद्गलात्मक असमान जातीय द्रव्य पर्याय का बराबर है आश्रय करते हुए, बीच में मैंने छोड़ा है अभी, मैं पढ़ूंगा उसको भी, इस असमान जातीय द्रव्य पर्याय का आश्रय करते हुए यथोक्त आत्म स्वभाव की संभावना करने में नपुंसक होने से, ये नपुंसक शब्द किसने कहा है? अमृतचंद्र आचार्य देव ने कहा है। किसमें? असमान जातीय द्रव्य पर्याय का आश्रय। असमान जातीय द्रव्य पर्याय माने मनुष्य पर्याय, और मनुष्य पर्याय का आश्रय, मनुष्य पर्याय का आश्रय, आत्मा का आश्रय नहीं, मनुष्य पर्याय का टोटल, ये दो को मिलाकर के आत्मा मानता है, उसका आश्रय कह रहे हैं। ये निरर्गल एकांत दृष्टि है, वो नपुंसक है जो इसमें आत्मा को नहीं देख पा रहा है। इसके अंदर देखना, मूल ग्रंथ दिखाते हैं हम, तो यहां कोई घबराहट थोड़ी है मूल ग्रंथ रखने में। सामने देख लो, चिट्ठा है कुंद कुंद का, आचार्य महाराज अमरचंद्र का, क्या कहते हैं आगे देखिए। क्या एकांत दृष्टि उछलती है? अनिल जी सुन लो, क्या उछलती है? यह मैं मनुष्य ही हूं, मेरा ही यह मनुष्य शरीर है। इस प्रकार अहंकार ममकार से ठगाया जाता हुआ, ये ठगाया जाता हुआ, ये शब्द भी अमरचंद्र आचार्य देव का है, नपुंसक शब्द भी आचार्य देव का है, ठगाया जा रहा है। क्या ठगाया जा रहा है? और उसको आगे कहते हैं, अविचलित चेतना विलास मात्र आत्मव्यवहार, आत्मव्यवहार ले मूल ग्रंथ देख लो सब। अविचलित चेतना विलास, अविचलित चलायमान नहीं होवे ऐसा अपना चेतना में विलास करना, उसके अंदर रहना, उसमें टिकना, उसकी दृष्टि ज्ञान लेना, उसका दृष्टि ज्ञान पूर्वक स्थिरता करना, ये है आत्मव्यवहार। ये व्यवहार नहीं, पूरा बोलना पड़ेगा राजकुमार जी साहब, मूल ग्रंथ दो राजकुमार जी को, देव साहब मूल ग्रंथ दो। ये आत्मव्यवहार 94 नंबर की गाथा है, उसकी टीका है, मैं आपको संस्कृत में पढ़ करके सुना देता हूं। देखो, ये खलु जीव पुद्गलात्मक असमान जातीय द्रव्य पर्यायम सकल अभिध्यानम एक मूलम उपगता यथोद उदिता आत्म स्वभाव संभावना क्लीव, नपुंसक है क्लीव, बराबर है। ते खलु उच्छलित निर्गलई एकांत दृष्टयो मनुष्य, मूल संस्कृत टीका में है, ते खलु उच्छलित निरलगलई एकांत दृष्टयो मनुष्य एव अहम एस मम एव तन मैं मनुष्य शरीर इति अहंकार ममकराभ्याम विप्रलभ्य मानम अवचलित चेतना विलास मात्रत्वात् आत्मव्यवहारात्। आत्मा का व्यवहार तो ये है भाई साहब, हम तो स्वप्न में भी चैलेंज नहीं कर सकते इनको, ये है आत्मव्यवहार। और अब सुन लो, इस आत्मव्यवहार से तो चित है, बराबर है राजकुमार जी साहब, आत्मव्यवहार से च्युत होकर
जिसमें समस्त समस्त एक भी नहीं छोड़ी, समस्त क्रिया कलाप को 22 साधन आदिक जो आपको मोक्षमा प्रकाशक में से लिखा दिखाया, ये समस्त क्रिया कलाप को बोलो राजकुमार जी से आप पढ़ो आगे पढ़ो, ये मनुष्य व्यवहार का आश्रय इसे छाती से लगाए हुए है, ये मनुष्य का व्यवहार है, ये आत्मा का व्यवहार नहीं है। तो मनुष्य का व्यवहार का अर्थ क्या हुआ, दे आश्रित कर क्रिया आपको मानस मग जारी रे, आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे। कहां तक करोगे चैलेंज, किस किस को करोगे, ज्ञानियों को करोगे, पंडितों को करोगे, आचार्यों को करोगे, किसको करोगे? ये नहीं, बराबर स्वाध्याय करना पड़ेगा, मूल ग्रंथ से करना पड़ेगा, क्या शब्द लिखा है उसके लिए गुरुदेव की शरण में जाना पड़ेगा, पढ़ना उसने सिखाया है हमको, पढ़ा कैसे जाता है, क्योंकि हम तो जब पहली बार गए तो हमारा तो वो ब्लड प्रेशर लो हो गया, चक्कर खा गए हम, हमारी समझ में ही नहीं आया कि ये सवा पंक्ति डेढ़ पंक्ति में घंटा भर कैसे लग गया, चक्कर आ गए हम। अब हमने सोचा जब दोपहर में होगा तब बराबर ध्यान रखेंगे कि ये महापुरुष कैसे एक घंटे के अंदर डेढ़ पंक्ति का कैसे अर्थ हो रहा है, एकदम माइन्यूटली वो देखा, एकदम जो चक्कर आ गए थे वो सीधे हो गए सब चक्कर, ऐसा कैसे पढ़ना है, कैसे उसमें से अर्थ निकालना, अर्थ निकालने की क्या पद्धति है। भाई इसमें किसी प्रकार का कोई पक्ष नहीं है, कोई आग्रह नहीं है, ये जिनागम की जिनेश्वर परमात्मा की भाई देशना है, वो वाली बात यहां पर आनी चाहिए, आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए बताओ आप। जैसा अब देखो 114 नंबर की गाथा प्रवचन सार की चलती है, उसका भी मेरे को विकल्प हुआ है, 114 नंबर का मूल ग्रंथ से निकाल लो आप, 114 आपको पढ़ के सुना देते हैं, 114 की टीका, 114 की टीका पढ़ के सुना देते हैं, पहले आपको पता चलना चाहिए कि क्या है स्वाध्याय कैसे किया जाता है सब। ये देखो पढ़ा थोड़ा सा आपका, थोड़ा आधा घंटा हो सकता है इस चला जाएगा, लेकिन ये क्लेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक वस्तु अंदर में प्रवेश नहीं कर सकेगी, कहीं ना कहीं कोई अन्य प्रकार का आगम से सम्मत न खाता हुआ आग्रह चित्त में बसा रहता है और वह फिर इसे प्रवेश नहीं करने देता वस्तु तत्व को, और जब तक वस्तु तत्व प्रवेश नहीं करेगा भेद ज्ञान नहीं हो सकता। भाई दो प्रकार से कसाई की मंदता होती है, अभी तो क्या करें कितना विस्तार करें, दो प्रकार से कसाई की मंदता होती है, एक तो अनंतानुबंधी के सद्भाव में शुक्ल लेशा वाली कसाई की मंदता हो जाती है। मैं तो आपके सामने सारे आगम की बात रखता हूं ना, कसाई की मंदता में दो प्रकार था कि क्या, तो तुम जो कहोगे सो, हम नहीं कुछ कह रहे हैं, तुम्हारे सामने मौजूद है। अनंतानुबंधी के सद्भाव में शुक्ल लेशा वाली कसाई की मंदता हो जाती है, अगर ये नहीं होगा तो नौमिक व्यक्ति नहीं जा सकता है। तो ये कसाई की मंदता है क्या, कसाई की तीव्रता है, और जाति कौन सी है, अनंतानुबंधी कसाई की जाति में होने वाली मंदता किसी काम की नहीं, क्योंकि काम की होती तो द्रवलिंगी को आत्मा का अनुभव होता, तो फिर कौन सी कसाई की मंदता है। अरे जब ये गायक परमात्मा तत्व में हूं, ऐसा स्वाध्याय का वारंवार अभ्यास पढ़कर समझकर उसके परिणति में जब ज्ञायक का बल आना प्रारंभ होता है, यद्यपि अभी वो अनंतानुबंधी कसाई ही है लेकिन उसकी मंदता अनंतानुबंधी के नाश रूप परण में रही है। समझ में आया प्रदीप भाई, बहुत एकदम, वो अनंतानुबंधी के नाश वाली होगी, अनंतानुबंधी के सद्भाव वाली कसाई की मंदता नहीं होगी,
वो गायक परमात्मा की दृष्टि करेगा, उसका अनुभव करेगा, तो वो अनुभव के काल में अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होगा। और वो अभाव रूप जो कषाय की मंदता, अनंतानुबंधी कषाय के अभाव रूप जो कषाय की मंदता है, तो वो अप्रत्यक्ष अनावरणीय कषाय की मंदता है। दो में फेर है भाई। भाई साहब आपकी पकड़ में आया क्या? आया। कसाई का अभाव कसाई के आश्रय से नहीं होता, कसाई का अभाव पर्याय के आश्रय से नहीं होता, कसाई का अभाव निकसाय स्वभावी भगवान आत्मा के आश्रय से होता है। जब ये अत्यंत अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीव इस द्रव श्रुत के माने स्वाध्याय के बल से राग से भिन्न में हूं ऐसा लेकर के अंतर में अभ्यास करता है कि मुझे मेरा जो त्रिकाल स्वरूप है वो जानना है, उसकी मेरे को दृष्टि करनी है, ऐसा जब बल लेकर के काम करता है तो अभी है कसाई की वो अनंतानुबंधी कसाई, वहां कसाई की मंदता। लेकिन अब वो किसकी शरण में जा रहा है? त्रिकाली की शरण में जा रहा है। तो त्रिकाली की शरण में जा रहा है तो कौन सी कसाय बचेगी? काल क्रम में सभी कसाय का नाश हो जाएगा। तो वह त्रिकाली की शरण में जाने रूपी अपने उपयोग में जब उसका बलन लेता है तो वहां अनंतानुबंधी कसाय का उपशम क्षय होने का क्रम पड़ता है। तो वो जो क्रम पड़ा है तो अनंतानुबंधी कसाय का उपसमाधि हुआ, वो वहां पर कसाय की मंदता को परंपरा से साधन कहने में आया, उसको विशुद्धि कहने में आया। कौन सी विशुद्धि चाहिए भाई? कौन सी विशुद्धि की बात करते हो तुम? अगर तुम द्रवलिंगी वाली विशुद्धि की बात करते हो तो ये तो अनंत बार हो चुकी है हमको मेरे को हो चुकी है अनंत बार। तो ये विशुद्धि तो साधन थी नहीं, अगर होती तो काम होना चाहिए था। इसका अर्थ कुछ और रहा इन साधन ते अब क्यों न विचारत है मन में, इन साधन से और कुछ रहा है। तो वो साधन क्या है कि मोक्ष मा प्रकाशक में अरहंत के स्वरूप में लिखा, निज स्वभाव साधन के द्वारा अपने निज स्वभाव को जब साधन बनाया तब कसाय का अभाव होना, मिथ्यात्व का अभाव होना। ये तू यहां से शुरू कर, ये यहां से ये मनुष्य व्यवहार को तो छाती छाती शब्द का प्रयोग किया था ना, अभी पढ़ा था। अब 114 नंबर का था, मैं सब देखो आ गया है सब। इनमें से पर्यार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके, देखो सर्वथा शब्द लिखा है, सर्वथा बंद करने की बात लिखी गुरुदेव ने, उसको कहा कि कथंचित बंद कर ये नहीं लिखा, पर्याय को गौण कर ये भी नहीं कहा आचार्य महाराज ने। ये कथंचित कहां से निकालते हो भाई साहब आप? उत्तरमाला से मिलाऊ ना, कहां से कथंचित आ गया? क्या लाया? पढ़ते हैं संस्कृत की टीका, पढ़ू आपको? लो संस्कृत की पढ़ देते हैं, है ना। सर्वस्य ही वस्तु ने सामान विशेषात्मत्वात् तत्स्वरूपम उपश्यताम यथा क्रमम सामान विशेषौ परिच्छिन्नति द्वे किल चक्षुषी द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक चेत तत्र पर्यायार्थिक एकांत नील मिलितम विधाय केवल उन्मिलितम द्रव्यार्थिकेन यत अवलोक्यते। सीधा लिखा हुआ हाँ, नहीं ऐसे नहीं चलेगा ना, कैसे चलेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा, कुंद कुंद को पढ़ना पड़ेगा, अमृतचंद को पढ़ना पड़ेगा, जैसनाचार्य देव की टीका को आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद भावार्थ इसमें से पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको जो
ख्याल से वृंदावन जी ने की है इसकी। हाँ की है। उनको आपको मतलब यह है कि पढ़ना पड़ेगा, आपको गुरुदेव श्री को पढ़ना पड़ेगा, जहां जहां भी प्राप्त है उन सबको पढ़ना पड़ेगा आपको, तब जाकर के आप यहां पर बैठ करके कुछ कह सकते हैं। ऐसे ऐसे कैसे हो जाएगा, ख्याल में आया? यार किसी प्रकार का हो नहीं, लेकिन एक पद्धति है। हाँ? वक्ता श्रोता में तो टूडरमल जी सामने के कैसा वक्ता होना चाहिए, श्रोता भी कैसा होना चाहिए, ऐसे ही कैसे नहीं भैया हो। देखो कल रखना यहां पर रत्नकंठ श्राप का आचार, रखना यहां पर, आपको दिखाएंगे सदा सुखदास जी ने क्या लिखा है, वो दिखाएंगे सब आपको। हमने कई बार कहा ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम मात्र ये द्रव्यानियोग के ग्रंथ ही यहां पर मतलब वाँचते हैं, हम चरणानियोग के भी वाँचते हैं, हम प्रथमानियोग के भी वाँचते हैं, हम करणानियोग के भी वाँचते हैं, यथा योग शक्ति प्रमाण सब करते हैं यहां पर। लेकिन ये निर्देश है ज्ञानियों का, सबसे पहले अध्यात्म का उपदेश देना चाहिए, क्योंकि ये उपदेश उसको कार्य करे सीधा। क्या देखिए अब यहां लिख लिया समय, ये प्रवचन सहायता प्रवचन सुधा है ना, वो अपन निकाल लेते हैं, लीजिए थोड़ा सा देखते हैं क्या कहते हैं। मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ूंगा, सरलता में अपन देखते हैं क्या कह रहे हैं यहां पर आचार्य महाराज। जितना ब्लॉक लेटर में गहरे छापे में है वो तो मूल ग्रंथ की टीका है, और जो हल्के छापे में है उसको गुरुदेव श्री ने विस्तार किया है, ऐसे लेना। अब एक ही द्रव्य की, अब दो द्रव्य की बात नहीं है। देखो स्वाध्याय आप कहेंगे साहब इसमें कुछ नहीं है किसी प्रकार की, मैं सच कहता हूं आपसे कुछ पंडिता ही नहीं है, कहे की पंडित आई है, इसके पढ़ने में कोई पंडित आई है, जब इसमें लिखा हुआ है एक ही द्रव्य लिया ना, इसका अर्थ क्या हो गया टीटू भाई, दो द्रव्य की बात नहीं, एक ही द्रव्य की बात चलती है, और एक ही द्रव्य के अन्यपना और अनन्यपना होने में जो विरोध है उसे दूर कर दे। अब ये तो विरोध क्या के? दूसरे लोगों को अन्य मत, ऐसा कैसे होता, एक ही वस्तु नित्य भी है और वही वस्तु अनित्य भी है, वही वस्तु एक भी है वही अनेक भी है, अरे एक होगी तो एक होगी, अनेक होगी तो अनेक होगी, नित्य है तो नित्य होगी, अनित्य है तो अनित्य होगी, पॉइंट समझ में आया? ये कैसे हो सकता है कि वो नित्य भी हो और अनित्य भी हो, तो परस्पर दो विरुद्ध धर्मों को धारण किया हुआ है वस्तु ने तो वो विरोध लगता है, समझ में आया? उभय ने विरोध ध्वंसनी सात पदांके, कलश आया ना, वो बात यहां पर कहते हैं। देखो अब यहां पर बराबर देखना कितने द्रव्य लिए, एक द्रव्य, एक द्रव्य में क्या बता रहे हैं, अन्यपना भी है और अनन्यपना, अन्यपना और अनन्यपना दोनों एक ही वस्तु में है, बराबर ख्याल में आएगा। यह द्रव्य शब्द लिया है, यह द्रव्य माने वस्तु, यह द्रव्य माने कौन सा द्रव्य, प्रमाण का द्रव्य, समझ में आया? यह त्रिकाली की बात नहीं अभी हो, अभी तो गुण परिय वत् द्रव्य की बात है, ठीक है, उसमें विरोध नहीं आता। यह है बतलाते हैं कि वस्तु में अन्यपना भी और अनन्यपना भी, ये दो उसके अंदर धर्म रहवे, उसमें कोई विरोध नहीं है। अब कैसे नहीं है वो बताएंगे, एक ही द्रव्य देखना, दो नहीं देखना, अच्छा जब दो दिखाएं, दो की बात करेंगे तब वहां से समझेंगे हम। अर्थात क्या कि सामान्य रूप से द्रव्य वह का वही, अब ये देखो अनन्यपना, टीटू भाई क्या बोला, अन्यपना में अन्य 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 अमन नहीं, अन्य अन्यपना नहीं, उसका नाम है अनन्यपना, बराबर है। अब यहां पर अन्यपना और अनन्यपने की बात कर रहे हैं एक ही द्रव्य में,
ठीक है। अब एक द्रव्य जो पहले रखा था वो लिखा था वस्तु वाला, वस्तु माने प्रमाण वाला, माने द्रव्य और पर्याय वाला। कैसा द्रव्य रखा था? द्रव्य और पर्याय वाला। अब ये दो द्रव्य आ गए, तो पहला द्रव्य शब्द काय के लिए था? प्रमाण के लिए। दूसरा शब्द द्रव्य काय के लिए? सामान्य के लिए, उसी में अनन्य बना के। ख्याल में आते हैं क्या? वही शब्द कहां प्रयोग किस रूप में हो रहा है, ये हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, कहते हैं सामान्य रूप से द्रव्य वह का वही है। बराबर समझ में आया? ख्याल में आ गया? अभी चेतन भाई मां से प्रवचन सार लाए थे, ठीक है, तो वो चेतन भाई कहां चले गए? अरे जो प्रवचन सार उस अलमारी में से लाए थे, चेतन भाई तुम बताओ कहां चले गए? नहीं भरी आप, वही का वही, वही का वही। इसे क्या कहेंगे? सामान्य, सामान्यपना कहेंगे। इसको द्रव्यपना भी कहते हैं। पर्याय की ओर से कथन करेंगे तो हम क्या कहेंगे? सामान्य है, द्रव्य रूप है, ध्रुव रूप है, अनन्य रूप है, वही का वही है, एक रूप है। ऐसे अनेक नामों से पर्यायवाची हैं, ये सभी कई बात है। बराबर भैया समझ में आते हैं आपको? हैं, देखो क्या कह रहे हैं, सामान्य रूप से द्रव्य वह का वही है और विशेष रूप से, विशेष रूप से द्रव्य भिन्न भिन्न है, अन्य अन्य रूप है, पर्याय रूप से ये एक ही द्रव्य, ए नाम का द्रव्य लो। बराबर है, ए नाम के द्रव्य में दो विभाग है, ए नाम के द्रव्य में दो विभाग है। क्या विभाग है? एक सामान्य और एक विशेष है, उसी के अंदर है, उसी द्रव्य में दो है, सामान्य विशेष आत्मक वस्तु है। तो वस्तु सामान्य स्वरूप भी है और वस्तु विशेष स्वरूप भी है। जब हम वस्तु के सामान्य स्वरूप को देखते हैं तो वस्तु वही की वही दिखती है, और उसी वस्तु के हम जब विशेष पर्याय भाव को देखते हैं, उसके विशेष भाव को देखते हैं, उसके परिणमन परिवर्तन भाव को देखते हैं, अन्य पर वस्तु कितनी विमल जी, वस्तु कितनी? एक, उसमें दो धर्म बराबर हैं। कौन कौन से? सामान्य और विशेष, ये दोनों कायम है उसी ही एक द्रव्य में है, एक वस्तु में है, दोनों उसी में है। तो जब तू एक वस्तु को देखेगा तो दोनों उसी में दिखाई देंगे। ओके, समझ में नहीं आया आपको? बराबर है। तो अब वे कह रहे हैं कि इस वस्तु को जब तू उस वस्तु के सामान्य भाव की ओर से देखता है, किसे? वस्तु को। किसकी ओर से देखता है? सामान्य भाव की ओर से। तो वस्तु कैसी दिखाई देती है? नित्य, एक, वही की वही, वही की वही। चेतन भाई वही, अभी घर जाएंगे, अभी जो घर जाएंगे कौन? चेतन भाई। बराबर है, तो कितने चेतन भाई हुए भैया? एक ही है, लेकिन दो हो गए। एक कौन से? एक मंदिर वाले और एक घर वाले। पढ़नी समझ में आया? तो घर वाले मंदिर वाले जो कहा गया वो काय की अपेक्षा से कहा गया? पर्याय की अपेक्षा से, विशेष की अपेक्षा से, क्षेत्र की अपेक्षा से, काल की अपेक्षा से, इसी में घटित हुए। पॉइंट समझ में आया आपको? तो वस्तु में दो भाव हैं, एक सामान्य और एक विशेष, एक ध्रुव है और एक बदलने वाला है। तो बदलने वाले की अपेक्षा से कैसा है टीटू भाई? अन्य अन्य, और सामान्य की तरफ से अनन्य। तो कोई विरोध नहीं है, विरोध नहीं है, दोनों रहते हैं, दोनों भाई रहते हैं अपने, दोनों धर्म है, वस्तु के ही धर्म है दोनों। ख्याल आ गया? सामान्य रूप से द्रव्य वह का वही और विशेष रूप से द्रव्य भिन्न भिन्न, अन्य अन्य रूप है, तथापि वह अनन्य है। क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा यहां अनन्य किस प्रवृत्ति में लिया? कि पर्याय यद्यपि वो अन्य अन्य है, लेकिन उस द्रव्य से वह कैसी है? अनन्य, अनन्य है। समझ में नहीं आया भाई साहब? ये अनन्य शब्द समझ में आया? ये बात वाला, ये जो पर्याय है, पहले अनन्य पना लिया था सामान्य भाव को, और फिर विशेष भाव को लिया अन्य अन्य। आया? बराबर, इतना समझ में आया?
धीमे धीमे समझते हैं अपन। पहले कौन से गियर में स्कूटर को चलाना, फोर्थ गियर में, तो फोर्थ गियर में ही चलाना। अब उसने आ गया, उठ गया वो, अब तीसरे में डाला, अब दूसरे में डाला, पहले में डाला, तू तो सिस्टम है, एक सिस्टम है कि नहीं, तो धीरे धीरे चलाते फिर स्पीड बन जाएगी अपने। तो हमें एक ही पैराग्राफ समझ में नहीं आया और हमने तो 114 गाथा पढ़ दी नहीं, कि भैया ऐसे तो पढ़ी नहीं जाती है गाथा, बराबर है। अब क्या कहते हैं, अवस्था कैसी है, अन्य अन्य, और जो द्रव्य है सामान्य भाव वो क्या है, अनन्य है, बराबर ख्याल में आ गया। तो जैसे ये पर्याय अन्य अन्य है, अन्य अन्य पर्याय है, तो भी ये पर्याय इसी ही द्रव्य की है, अन्य द्रव्य की नहीं। अन्य द्रव्य की होए तो अन्य, और इसी द्रव्य की होए तो अन्य, दो अनन्य शब्द का प्रयोग हुआ। दो, एक सामान्य एक सामान्य अनन्य, बराबर है, और दूसरा जो अनन्य पना आया, ये कैसे घटित हुआ, ये कैसे घटित हुआ अनन्य पना, ये पर्याय पर्याय को अनन्य कह रहे हैं, थोड़ा समझो। अच्छा, पहले किसको अनन्य कहा टीटू भाई, सामान्य भाव को, क्योंकि वही का वही रहता है, वही का वही रहता है, वही का वही रहता है। अब जो पर्याय है वे क्या है, अन्य अन्य, एक समय पर ये पर्याय, दूसरे समय पर दूसरी पर्याय, तीसरे समय पर तीसरी पर्याय, चौथे समय पर चौथी पर्याय, तो ये क्या हुई पर्याय, अन्य अन्य। अब जब महाराज आप कह रहे हो कि ये पर्याय अन्य अन्य है, तो इन पर्यायों को तुम अनन्य कैसे कह रहे हो, अनन्य तो सामान्य था, इसको आपने अन्य अन्य कहा, अब इस अन्य अन्य को अनन्य कैसे कह रहे हो। अब बोलो, वो पर्याय अन्य द्रव्य से तो अन्य है, लेकिन इस द्रव्य से अन्य, कोई पण पर्याय हो, सर्व पर्याय जो अपने में अन्य अन्य है, ऐसा होने पर भी वे इस द्रव्य के प्रति नियत है, नियत समझ लिया ना, इस द्रव्य के प्रति ही समर्पित है वे पर्याय, अन्य द्रव्य के प्रति समर्पित नहीं है, इसलिए अन्य द्रव्य से अनन्य नहीं है, इसी द्रव्य से ये पर्याय अनन्य, ऐसे करके समझ में आया। पर्यायों में अनन्यपना घटित करना, और पहले जो अनन्यपना था वो पहला वाला अनन्यपना उसी द्रव्य में था, एक ही द्रव्य में था, और अब पर्यायों में अन्य अन्यपना रख करके अनन्यपना कहा, तो अन्य द्रव्य से ये पर्याय अन्य है, क्योंकि ये पर्याय इसी द्रव्य की है, अन्य द्रव्य की नहीं है, इसलिए प्रत्येक समय की पर्याय यद्यपि अन्य अन्य है, तथापि प्रत्येक पर्याय इसी द्रव्य के प्रति वह नियत है, निश्चित है, सुनिश्चित है, माने वह इस द्रव्य से ही अनन्य है, अन्य द्रव्य से अनन्य नहीं है। क्या मौलिक वस्तु का स्वरूप, मौलिकता उसकी क्या मूलभूत स्थिति है, चाहे वो एक परमाणु हो, चाहे एक द्रव्य जीव द्रव्य हो, चाहे वो एक कालाणु हो, सबकी वस्तु स्थिति ये है भाई, प्रत्येक द्रव्य अपने ही ध्रुव रूप अनन्य रह रहा है, और एक एक समय की पर्याय रूप अन्य अन्य होते हुए भी इसकी कोई सी भी पर्याय का अन्य द्रव्य से कोई संबंध नहीं है, इसकी चाहे वो मिथ्यात्व की पर्याय हो, चाहे वो अनंतानुबंधी कृष्णलेशा की पर्याय हो, तो भी वह पर्याय इस द्रव्य से ही अनन्य है, अन्य द्रव्य से नहीं। बैठ जा, पहले बैठ जा प्रमाण के द्रव्य में बैठ, बैठ जा, क्या बैठ जा, समझ में नहीं आया। देखो इस आंख में मोतियाबिंद है,
इस आंख में नहीं है मोती अरविंद, बराबर है, तो इससे धुंधला दिखता है, इससे क्या दिखता है, सांप दिखता है, बराबर है, ठीक है। तो इसमें जो मोतियाबिंद है, इस मोतियाबिंद का चेतन भाई बताना, इस आंख में जो मोतियाबिंद है उस मोतियाबिंद का इस आंख से अनन्यपना है कि इस आंख से अनन्यपना है, किससे, जिस आंख में, इससे नहीं, ये भी तो आंख ही है, पड़ोस में एकदम, फिर भी अन्नपना है, गलत की बात है, इससे इसका अन्नपना है और इससे इसका अनन्यपना है, इसका इससे कुछ भी नहीं, ये थोड़ा सा इसमें से इसका कुछ ले दे, ये अपना इसको कुछ दे दे, नहीं कर सकते, कुछ थोड़ा सा ये अपना अच्छा दिखता है, थोड़ा सा इसे दे दे, इसका कम दिखना, धुंधला दिखना, इसको ऐसा नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, सुबह में, दोपहर में, सांझ में, रात्रि में, सोते में, जगते में, दुकान पर, कभी कभी नहीं हो सकता, कुछ कोई शंका, कोई शल्य, अरे भाई जब तेरे को ये बात ख्याल में आती है कि ये नहीं कुछ भी हो सकता, इसका इसी के परिणाम से अनन्यपना है, इससे इसका अन्यपना है, इसके परिणाम का इससे अनन्यपना है, यद्यपि परिणाम अन्य अन्य है लेकिन प्रत्येक समय का परिणाम इस आंख से अनन्य है, और आंख वही है, वही है, वही है, वही है, वही है, वही है, वही आंख है, तो भाई अपने आत्मा को स्थापित तो कर, क्यों शरीर से तू जोड़े बैठा हुआ है, क्यों इन कर्मों से जोड़े बैठा हुआ है भाई, एक बार विचार कर, रात को चोर घर में चोरी करने के लिए आया चेतन भाई, पकड़ लिया, ठाकुर लोग थे वो भी मूछो वाले, टाट की बोरी में बंद कर दिया, एक पैर लेफ्ट वाला और एक हाथ राइट वाला रस्सी से बांध दिया उसके, बोरी में बंद कर दिया ऐसे, और ऊपर से बोरी में क्या लगा दिया, ऐसा कसके गांठ और लगा दिया और डाल दिया, सुबह देख लेंगे, अब सुबह देख लेंगे, रात में आया था ना, रात कौन अपनी खराब करे, अब सुबह देख, अब डाल दिया। उसके साथ एक चोर भाई और आया था, जब उसने देखा कि ये सब ठाकुर लोग अब सो गए हैं और वो देख रहा था सब क्या हो रहा है, तो उसने देखा कि इसको इस कमरे में जो है बोरी के अंदर बंद कर दिया है, ख्याल आ गई समझ में, तो वो आया, ऐसे उसने चटकनी खोली और गया अंदर से, अरे मैं रामू बोलने आया हूं, रामू, हाँ हाँ बोल बोल, क्या कह रहे हैं, कि तू बोरी में बंद है, कि हाँ मैं बोरी में बंद हूँ, मेरे को बांध दिया इन्होंने, एक उल्टा पैर और सीधा हाथ मेरा बांध दिया है, तो बोला सुन ऐसा है, तेरा एक हाथ तो खुला हुआ है ना, कि हाँ एक हाथ मेरा खुला हुआ है, तो उस हाथ से तू रस्सी की गांठ खोल ले, पॉइंट आया समझ में, अब मैं आपसे पूछता हूं ये वाली बात बोरी को सुनाई पड़ी कि नहीं पड़ी, चले थोड़ा समझ करके बोलने की जरूरत है, बोरी में बंधा हुआ था, बराबर है, एक पैर और एक हाथ बंधा हुआ था, और उसके भाई ने जो साथी था तो उसे कहा कि तू अपने हाथ से इस रस्सी को, एक हाथ खुला है ना तेरा, तो तू खोल ले, तो मैं आपसे पूछता हूं कि ये सुना किसने, भोरी ने सुना कि उस चोर ने सुना, अच्छा चोर ने सुना, उसने क्या कहा उससे कि तेरा हाथ खुला हुआ है, तो वो हाथ बोरी में है कि उसमें है, चोर में है, हाथ बोरी में है कि चोर में है, मैं अभी सिद्धांत घटित करूंगा आपको, वो बोरी में हाथ है कि चोर का हाथ है, वो तो वो सुन करके चोर ने अपने हाथ में क्रिया करी कि बोरी में क्रिया करी, हाथ में क्या क्रिया करी, गांठ खोलने की क्रिया करी, तो किसने करी, चोर ने, बराबर है,
क्रिया किसने करी? चोर ने। काय से करी? हाथ से। बराबर किया कि नहीं किया? ऐसे ही स्टार्ट की बोरी रूप शरीर के अंदर ये भगवान आत्मा चोर की तरीके से बैठा हुआ है। और ये देशना यहां से ज्ञानियों की आई, ज्ञानियों की करुणा ज्ञानियों। तू देह रूपी बोरी के अंदर बंद है ना, कि हाँ हाँ, कि क्या करूं मैं, कि सुन दो चीजें तो तेरी बंधी हुई है, एक पैर और एक हाथ, लेकिन एक हाथ तेरा खुला हुआ है। वो हाथ कौन सा है? ज्ञान का छयोपशम का। कौन सा हाथ खुला हुआ है? ज्ञान के छयोपशम का। और एक पैर और एक हाथ बंधा हुआ है वो क्या है? दर्शन मोह का और चारित्र मोह का, कसाय का और मिथ्यात्व का, वो बंधा हुआ है। ओके, अब उन्होंने कहा कि सुन तू ऐसा कर, एक हाथ तेरा खुला हुआ है। वो समझ गया, वो स्वाध्याय था, समझ गया वो कि ये कौन से हाथ की बात कर रहा है, कि वो छयोपशम ज्ञान के हाथ की बात कर रहा है। तो क्या कह रहा है? कि तू उस हाथ से क्रिया कर, प्रयोग कर और गांठ खोल ले। किसको उपदेश दिया? छयोपशम ज्ञान को दिया कि उस मिथ्यात्व को और कसाय को उपदेश दिया? तुमको चेतन भाई समझ में आती है बात? अरे क्या करे नाथ, अब एक ज्ञानी तो उपदेश दे रहे हैं छयोपशम ज्ञान को कि तू ये ग्रंथि भेद कर, ये मिथ्यात्व की गांठ खोल ले, तू कसाय का अभाव कर। पॉइंट नहीं समझ में आया? और जे क्या कर रहा है कि ये इन्होंने कसाय को उपदेश दिया है, इन्होंने मिथ्यात्व को उपदेश दिया है। अरे उसकी तो गांठ बंधी हुई है भैया, उसको उपदेश नहीं दिया। तो जब ये उतना बोरी में बंद समझ जाता है और गांठ खोल लेता है, तो तू तो बोरी में बंद है नहीं, खरे खर देखा जाए तो इस देह देवालय में तू भगवान आत्मा जैसे बोरी से तदन्न पृथक पड़ा हुआ है, ऐसे चेतचिन मूरत बिन मूरत तत्व पड़ा हुआ है। भाई क्या कहे आपको, तो उपदेश किसको सुना रहे हैं? कानों को, शरीर को, कौन सी इंद्रिय को उपदेश सुना रहे हैं? बोलो टीटू भाई, उपदेश किसको सुना रहे हैं? आत्मा को। आत्मा को क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि वो ज्ञान स्वभावी है। ज्ञान स्वभावी है तो उसकी परिणति में इतना ज्ञान का छयोपशम खिला है, तो कह रहे हैं, उससे कह रहे हैं। असंगी पचेंद्रिय को उपदेश दे रहे हैं, चार इंद्रिय वाले को उपदेश दे रहे हैं। तो क्या कहा उससे? अरे मोह ग्रंथि से तू बंधा हुआ है, इस मोह ग्रंथि की गांठ खोद दे, कर वेद ज्ञान कर ले। किसको दिया उपदेश? कसाई को दिया, राग को दिया है, मिथ्यात्व को दिया है, अरे रस्सी को उपदेश दिया है, टांगों को उपदेश दिया है, हाथों को उपदेश दिया है। करते ही अंदर में अभ्यास करते ही तो कहां पर है आत्मा? आप कहां हो? देह आत्मा है, देह में आत्मा है, देह आत्मा नहीं है, देह में भी आत्मा नहीं है, देह से बिल्कुल पृथक पड़ा हुआ है आत्मा। अरे आए नाथ, अंदर की बात क्या है? तू एक बार पूरी ताकत के साथ में आएगी डाल तो सही। दिक्कत यहां तो पूरी चतुराई है। बेटे ने आवाज लगाई, मम्मी तुम कहां हो? अरे बेटा मैं ऊपर के कमरे में हूं। उसने ये नहीं कहा कि ऊपर का कमरा मैं हूं, ये कहां कहा उसने? ऊपर के कमरे में मैं हूं, ऐसे देह में हूं ये तो नहीं कहा, देह मेरा है ये तो नहीं कहा, लेकिन मैं आत्मा हूं। तो अब क्रिया किसने करनी है? देह ने करनी है कि आत्मा ने करनी है? तो मिथ्यात्व का नाश कौन करेगा? सम्यक दर्शन कौन प्रकट करेगा? बराबर समझना है। अनन्यपना क्या है और अनन्यपना क्या है? आगे देखते हैं, 5 मिनट हैं अभी हमारे पास। ऐसी बात है, प्रत्येक द्रव्य दृष्टांत जीव का देंगे, परंतु प्रत्येक द्रव्य सामान्य है, वह तो वह का वही है। प्रत्येक द्रव्य में माने अन्य जीव, अनंत 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 उद्गल द्रव्य, अधर्मास्ती काया धर्मास्ती काया, एक आकाश और असंख्यात काल, सब सामान्य विशेषात्मक है।
विशेष है, अन्य अन्य है। देखो किस तरीके से नोटिंग बनाते होगे, जब एमबीए में पढ़ते होगे पूरी किताब ऐसे रट जाते हो, तो क्या नोट्स बनाते कि नहीं बनाते? ऐसे इसके नोट्स बनाने चाहिए हमको। विशेष है वह, अन्य अन्य है, वह विशेष पर्याय है, स्वकाल में, स्वकाल में है, उस स्वकाल है ज्ञायक परमात्मा, त्रकाल है ऐसा। विशेष पर्याय स्वकाल में अन्य अन्य होने पर भी द्रव्य से अनन्य में है, द्रव्य से भिन्न नहीं। देखो द्रव्य से भिन्न नहीं है वो पर्याय, द्रव्य से भिन्न नहीं है उसी की पर्याय है। अन्य अन्य में ऐसा थोड़ी है कि हवा में पर्याय चल रही है, कोई उसी की पर्याय है। इसमें तो ऐसे लेंगे तन में है, और ये समय साथ जैसे सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में शब्द लिया है, अनन्य है। देखें समय सार में सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार 308 से लेकर 311 गाथा है, उसमें आया है अनन्य शब्द का प्रयोग किया। अनन्य है, तन में है, पर्याय उसी द्रव्य से, द्रव्य से वो अन्य द्रव्य से तन में नहीं है, इतना बताने को तन में कहा है। बाकी पर्याय तो स्वयं अन्य अन्य है। आगे अपेक्षा बराबर समझनी पड़ेगी ना अपन को, कहां की अपेक्षा से कहते हैं। बस इस पैराग्राफ को पूरा करते हैं। यह तो प्रत्येक वस्तु का स्वरूप ऐसा है, प्रत्येक वस्तु का स्वरूप ऐसा है, माने कोई भी वस्तु अपने द्रव्य भाव से अनन्य है और पर्याय भाव से अन्य अन्य है। ऐसा पर्याय भाव से अन्य अन्य होने पर भी अपने द्रव्य से अनन्य है। सभी के अंदर ऐसा ही है, सब ऐसे ही है। तू ये सोचता हो कि मैं किसी अन्य द्रव्य की पर्याय हो जाऊंगी या कि मैं किसी अन्य द्रव्य की पर्याय का मैं द्रव्य हो जाऊंगा और मैं कुछ जाकर के वहां कर दूंगा और कोई द्रव्य मेरे में आकर के कुछ कर देगा? भाई एक एक द्रव्य के बीच में दूसरे द्रव्य के साथ वज्र की दीवार खड़ी हुई है, यूं ही लगा पड़ा हुआ है, यूं ही लगा पड़ा हुआ है। क्या करें साहब, बात तो बहुत जल्दी जल्दी आप कर देते हो, करके दिखाओ। हमने क्या करा था, हमने कल रात को क्या करा था बताओ? दूध को उबाला था, उबाला था कि नहीं उबाला था? विमल जी आपको उदाहरण याद नहीं आ रहा? नहीं ख्याल में, खातिर नहीं थे? उबाला था कि सब मैं चाहता हूं कि जैसी गैस पे रखूं वैसी उबल जाए। क्यों है क्रम भी कब पड़ेगा जी बताओ? रखे तो अरे बस तू इतना काम कर, गायक की दृष्टि कर प्रभु, कर एक बार कर ले भाई। यह तो प्रत्येक वस्तु का स्वरूप है, आत्मा को परद्रव्य के साथ कुछ संबंध नहीं। कहां पढ़ रहे हैं चेतन भाई? सार नहीं। अच्छा देखो चेतन भाई को देखो, बताओ लाइन से आप दीपक भाई के साथ या भाई साहब के साथ किसी के साथ ही देखो, आप मिल गया चेतन भाई? बहुत सुंदर। आत्मा को परद्रव्य के साथ कुछ संबंध नहीं। अब पहले परद्रव्य में किसको यहां पर लेना, बोलो जूनियर्स होगा नहीं जी, परद्रव्य में यहां किसको लेना? पहले आपको दिखा कहां पर लिखा हुआ परद्रव्य, वो देखो बराबर देखो। आत्मा को परद्रव्य के साथ कुछ संबंध नहीं है, बोलो परद्रव्य में यहां किस किस को लेना? टीटू भाई आप बताओ, परद्रव्य में यहां आत्मा को परद्रव्य के साथ कुछ संबंध नहीं है, तो यहां परद्रव्य किसको लेना? हाँ किसको, शरीर को? हाँ बस आप टीटू भाई को बोलना। हाँ बोलो आप, परद्रव्य में या किसको लेना है? बोलो आप, शरीर हो गया बराबर, और नो कर्म
अपने आत्मा के अलावा अन्य आत्माएं परद्रव्य, अन्य अनंत पुद्गल द्रव्य अन्य द्रव्य, असंख्यात कालाणु द्रव्य अन्य द्रव्य, अनंत प्रदेशी एक आकाश अन्य द्रव्य, धर्मास्तिकाय अन्य द्रव्य, अधर्मास्तिकाय अन्य द्रव्य, माने मेरे आत्म द्रव्य का मेरी ही समान जातीय आत्म द्रव्यों के साथ, क्योंकि मेरे एक आत्म द्रव्य का उसका जो द्रव्य स्वभाव है त्रिकाली, वह अनन्य अनन्य, और उसकी जो पर्याय है वे हैं अन्य अन्य, अन्य अन्य होने पर भी वो उस द्रव्य से क्या है अनन्य, ऐसे ही सबके साथ ऐसा गुणा भाग लगा हुआ है। तो कौन का किससे संबंध है? एक एक पैराग्राफ, एक एक पंक्ति इसको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अर्थ उसमें से निकालना चाहिए। कर्म के साथ बोलो टिटू भाई, है क्या कहते हो? लोग कहते हैं थोड़ा समाधि मरण की तैयारी करो। ऐसा सुनने में आता है, भैया अब तो ऐसी उम्र हो गई है, अब समाधि मरण की तैयारी करनी चाहिए हमको। तो हमने कहा बिल्कुल करनी चाहिए भैया समाधि मरण की तैयारी। तो कहां तैयारी करें? सोनागिर जी चले जाएं, शिखर जी चले जाएं, वहां पर समाधि मरण की तैयारी करेंगे। मैंने कहा कि जिनके साथ तुझे समाधि मरण करना है वे तो सोनागिर जी में मिलेंगी नहीं, तेरे को शिखर जी में नहीं मिलेंगे। तू घर में रहे और सबसे पहले समाधि मरण अपनी पत्नी के साथ कर। थोड़ी कठोर बात लगेगी, आपने कभी सुना भी नहीं होगा ऐसा कि सबसे पहला समाधि मरण किससे कर? पत्नी के साथ कर। कि ये प्रमाण दो आप, कहीं ऐसा लिखा है कि चरणानियोग सूचक चूलका में लिखा है हे शरीर को रमण करने वाली? मैं तेरे से विदा लेता हूं, तू मेरे आत्मा का रमण कराने वाली नहीं। इसका नाम पत्नी से समाधि मरण है। फिर पुत्र पुत्रादि से ले, फिर धन धानादि से समाधि मरण ले, क्योंकि तू तो समाधि मरण ले रहा है लेकिन चाबी का गुच्छा तेरे ही जीभ में है, अब कहां से समाधि मरण होएगा? नहीं समझ में आया, अभी नहीं छोड़ूंगा। जब तक डॉक्टर जी नहीं कह देगा कि जिम मर गए हैं तब छोड़ूंगा, कि तब तू क्या छोड़ेगा? समझ में आया? ये इतनी विपरीतताएं चल रही हैं, इतनी विपरीतताएं चल रही हैं। क्या करे? इसे पता ही नहीं। अरे अपने को अकेला पूर्ण अनुभव करना, इसका नाम समाधि मरण है। अपने को अधूरा अनुभव करने में आकुलता है, अपूर्ण अनुभव करने में आकुलता है। तेरा सम अधि कैसे मरण होगा? ऐसा नहीं हो सकेगा तेरा मरण भाई, बहुत अंदर। घर में रह करके, घर में रह करके, घर में रह मां का कहां जा रहा है? भक्ता क्यों है घर से? घर से भक्ता क्यों है? पूरा हो गया ये वाक्य? कर्म के साथ, शरीर के साथ, देश के साथ, परिवार के साथ, कीर्ति के साथ, पैसे के साथ, वेतन के साथ कोई संबंध नहीं? अब राम जी भाई दिखाई दे गए होंगे, दोनों वेतन के साथ कोई संबंध नहीं है? अभी तो जैसे अभी आए ना, हे बहनों, हे दिक्रियो, हे माओ, थोड़ा सूक्ष्म पड़ता होगा तो भी तुम ध्यान से सुनना, धीरे धीरे सुनना भाई। कोई अद्भुत बातें हैं, गजब की बातें हैं, आत्मकल्याण की बातें हैं,
समझ में नहीं आए तो अभी समझने के लिए सुनना, ऐसी बात है। बहुत भाई ऐसा कोई पक्ष नहीं है किसी प्रकार का, ख्याल में आया? हाँ, कोई पक्ष नहीं है। हाँ? हमारे तो 72 में जहां बताया कभी, 1972 में जहां हम रहते ना, जहां आप गए थे वो वाला घर नहीं, उससे भी पहले एक घर होता मोती कटरा, जति कटरा में रहते थे पहले हम, नियर वाई है, और बिल्कुल उसके दो मकान छोड़ करके एक स्कूल था, वहां पर प्रशिक्षण शिविर लगा था ग्रीस में काली पहले लगता था ना, ये सब आए थे, बाबू भाई वगैरह ये सब आए थे, सब आए थे, सब आए। तो हमारी आगरा में ही पोस्टिंग थी टीटू भाई, तो नैमिचंद जी पाटनी हुआ करते, नाम सुना आपने कभी? महामंत्री थे टोटल स्मारक के पहले, हाँ आए थे यहाँ पर, तो उन्होंने हमको वो दे दिया, साहित्य का चार्ज दे दिया, उनने कि तुमको वीरेंद्र कुमार इसलिए दे रहे हैं कि तुम बैंक के आदमी हो, तुम हिसाब किताब ठीक रख लो। ठीक है साहब, अब कौन बात है, वो ले दिया। अब हमारी ड्यूटी तो लग गई यहाँ पर, जिस समय पर वो लगता था स्वाध्याय होता था तब वो स्टॉल बंद कर देते थे, लेकिन जब वो स्टॉल बंद करते थे तभी तो हिसाब बनाते हैं, उधर स्वाध्याय चलता था हम हिसाब बनाते थे, और जब वो स्टॉल खुलता था कब, जब स्वाध्याय नहीं होता था, तो हम तो स्वाध्याय सुना ही नहीं पाए, लेकिन वो हवाएं आती थी कि आज ये बात चली, आज ये बात चली, आज ये बात चली, आज ये बात चली, आज ये बात हुई, आज उन्होंने ये वाली बात कही, बाबू भाई ने अपने प्रवचन में ये वाली बात कही, और इतना विरोध था टीटू भाई आपको कह नहीं सकते। हमारे ही कुल परिवार वालों ने हमारे ऊपर ये इस प्रकार का आरोप लगाया कि इनको सोनगढ़ से पैसे आते हैं, हम जिनवाणी के आके कह रहे हैं आपको बात, इसलिए ये इनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऐसा सभी सुना। फिर ये भी एक हवा आई कि इन्होंने सारे ग्रंथ बदल दिए, ये तो सब आपने तो सुना होगा राजकुमार जी भाई साहब, कि इन्होंने ग्रंथ बदल दिए, सब अपने बना लेने हैं, तो बड़ा गड़बड़ हो गया, हमने कि ये सब क्या हो रहा है। तो हम तो वो तो प्रशिक्षण शिविर तो खत्म हो गया टीटू भाई, अब उसके बाद चित्त यहां पर जो है वो चलित हो गया कि निर्णय तो करना है कि इन्होंने ग्रंथ बनाए हैं या वो ही ग्रंथ हैं, और ये तो है कि जब पैसा हमारे पास आता ही नहीं था तो वो तो झूठ ही बात थी, वो तो सब इसलिए उस पर तो कोई था। तो हमारे घर के पास ही एक जैन लाइब्रेरी थी, बहुत प्राचीन लाइब्रेरी टीटू भाई, और ऐसे उसमें ग्रंथ थे पीले पड़ गए थे, जिसके कागज ऐसे शुष्क हो गए थे वो, तो हम लिस्ट बना के ले गए थे, ये समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, ये सब मोक्षमा प्रकाशक, ये ढूंढारी भाषा वाला, रत्नकंठ तनाव का आचार, ढूंढारी भाषा, हमने ढूंढारी भाषा का पढ़ा है, रत्नकंठ तनाव का आचार, ये सब ऐसा, तो सारा लिस्ट बना करके ले गए और लाइब्रेरी से हम ले आए सब। ओके, तो दिन में तो टाइम मिलता नहीं था हमको चेतन भाई, अब जैसे आप व्यापार करते हो हम नौकरी करते थे, सुबह में स्वाध्याय चलता था तो सुबह करना और भगवान जी के मंदिर अंदर जाना, फिर स्वाध्याय करना, और एक आपको बताया ना कैसे तरीके से खाना खाते थे, दम दम खाना होता है, तो कब पढ़ते थे हम अनिल भाई, कि जब रात हो जाती थी, रात भी कब, कि जब पत्नी सो जाती थी और टेबल लैंप जलाते थे, और तब जो सोनगढ़ से छपे हुए उन ग्रंथों को रखते थे, और जो हम लाइब्रेरी से लाए थे वो लाइब्रेरी से जो हम ग्रंथ लाए थे वो ग्रंथ उस सन के छपे हुए थे जब गुरुदेव का ये दिगंबर आमनाय में जन्म ही नहीं हुआ था, हमारा भी जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले आगास के छपे हुए, बंबई के छपे हुए ग्रंथमालाएं निकलती थी, उन ग्रंथों से हमने एक एक का मिलान खिलाया है। समझ में आ गया चेतन भाई, जैसे तुमने एमबीए की स्टडी की है, बराबर है, हमने भी की है स्टडी, तो की है हमने, समझ में आता है। तो घर में तो हंगामा हो गया, जे अब घर छोड़ करके चला जाए, ऐसा घर में ही हो गया कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जे कहीं छोड़ फाड़ करके चला जाए, ऐसा नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है, घर में रह करके इस जिन वाणी का पूरा स्वाध्याय हम कर सकते हैं, पूरे बहुमान के साथ, सम्मान के साथ हम कर सकते हैं, लेकिन उसके स्वाध्याय करने की पद्धति ये होनी चाहिए।
बराबर है।